अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार जो है पराठे की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो चलें आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पराठा बनाने के लिए एक कप रेगुलर होल व्हीट आटा ले लिया है, दो कप मैदा ले लिया है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून जो है यीस्ट के डालूँगी और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून शुगर का है और 2 टीस्पून ऑयल के हैं और एक अंडा और 2 कप जो है दूध है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना। अब एक पराठा ले ली है मैंने, कोई भी खुला बर्तन या मिक्सिंग बाउल जो भी आपके पास है वो ले लें और उसमें ये हमने 2 कप मैदा डाल लिया है और इसमें मैं 1 कप आटा शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसमें हम ईस्ट, सॉल्ट, शुगर 2 टीस्पून ऑयल के, एक अंडा शामिल करके अब इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सबको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध जो है शामिल करूँगी, एकदम सारा दूध नहीं डालेंगे। अब हम इसको अच्छा सा घूम लेंगे। जितनी अच्छी आपकी डो घूमती होगी उतना अच्छी जो है आपकी परांठी बनेगी। हमने ये अच्छा सा गूंद के इसकी डो बना ली है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको जो है एक बाउल में हल्का सा ऑयल लगा के और उसमें मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर मैं
आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। देख सकते हैं कि आटे को पड़े हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब हम इससे पेड़े बना लेते हैं और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। अब आपने जितना बड़ा परांठी बनानी है उस हिसाब से आप आटा ले लें और इस तरह इसके जो हैं अभी हम पेड़े बना लेंगे। देख सकते हैं मैंने ऐसे पेड़े बना लिए हैं और साथ ही मैंने 4 टेबलस्पून मक्खन और 4 टेबलस्पून ऑयल को जो है मिला के यहाँ रख लिया है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब हमने एक पेड़ा ले लिया है, इसको हम फ्लैट कर लेते हैं और इसको हमने ऐसे बेल लेना है। इसको हम बारीक सा बेल लेंगे, जितना भी बारीक आप बेल सकते हैं उतना बारीक आप इसको बेल लें। उसके बाद हम ब्रश की मदद से ये ऑयल और मक्खन को अपनी लो पे लगा देंगे इस तरीके से। और फिर थोड़ा सा खुश्का लेके उसको ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। हम इसको सेंटर में रख के एक कट यूँ लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको आराम से एक साइड से पकड़ के इस तरीके से मैं इसको रोल करती हुई जाऊंगी। ये आप देख सकते हैं ऐसे इसको हम आहिस्ता आहिस्ता रोल करते हुए जाएंगे। इसको हमने अच्छी तरह रोल कर लिया। अब इसको हम पकड़ के ऐसे करके और हाथ की हथेली पे रख के ऐसे इसको घुमाते हुए इसको प्रेस कर देंगे और इसी तरह हम अपने सारे पेड़ों को बना लेंगे। पेड़े बना के हमने हल्का सा ऑयल लगा के और पेड़ा बना के और हाथ से हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और फिर हम इसके साथ इसको जो है रोलिंग पैन से हम इसको बेल लेंगे। गर्म हो चुका है, अब हम अपनी ये जो रोटी हमने बेली है हम इसको तवे पे डाल देते हैं। अब जब ये हमारी रोटी आप देख सकते हैं एक साइड से थोड़ी सिक जाएगी तो हम इसको पलट लेंगे। जो हमारा मक्खन और ऑयल था इसको हम ब्रश की मदद से अच्छी तरह रोटी पे लगा देंगे। इस तरह से ऑयल और घी परांठी पे लगाने से ये होता है कि आपका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नहीं लगता और जो है आपकी परांठी भी बहुत मज़ेदार बनती है। और अब हम इसको जो है ऑयल से घी मटर और ऑयल से कोटेड कर देते हैं। इसी तरह हम अपनी बाकी जो हैं परांठियाँ वो भी तैयार कर लेते हैं।
हमारी मज़ेदार परांठी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।